हाय एवरीवन, सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोनोकार्पस इरेक्टस के बारे में। इसको बटन वुड भी बोला जाता है और काफ़ी जगहों पर इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ फैलाए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें सही भी है, कुछ चीज़ें इसमें सही नहीं भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आपको सही मिलें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ी सी इसके जो नेगेटिव पार्ट है आपको वो भी मिलेंगे, थोड़ी से पॉजिटिव भी मिलेंगे। तो आज हम सारी इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव इसके जो भी पार्ट है मैं आपको वो बताऊंगा कि इस प्लांट में क्या खामियां हैं। सो गाइस सबसे पहली जो चीज़ है जो सभी लोग आजकल बात कर रहे हैं तो वो है इसकी पोलन के बारे में। सो गाइस इसमें पोलन्स मतलब इसके जो फ्लावर्स बनते हैं उसमें से वो पोलन्स बनते हैं। तो इसके फ्लावर्स दो सीज़न में फ्लावरिंग करता है। फर्स्ट है फेब्रुअरी मार्च अप्रैल में और दूसरा है सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसमें जो पोलन्स होते हैं उससे किसी किसी को पोलन एलर्जी हो सकती है, और ऐसा नहीं कि सभी को हो सकती है, बस किसी किसी के जो सेंसिटिव है उनको हो सकती है, या फिर किसी का डीएनए पहले से ऐसा कुछ है तो उनको हो सकती है, या फिर जो बड़े हैं जिनकी ये ज़्यादा है शायद उनको हो सकती है। ऐसा इतना ज़्यादा प्रूफ नहीं है, पर ये तो है कि ये इफ़ेक्ट करता है, एलर्जी होती है, ये तो सच बात है और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुका है। सो गाइस थर्ड जो इसकी जो चीज़ है मैं सेकंड पे आऊँ तो गाइस सेकंड इसकी जो चीज़ है तो वो चीज़ इसकी रूट्स हैं। इसके रूट्स बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं, बहुत आप अपने आसपास घर के आसपास इसको लगाओगे तो आपके जो पाइपलाइंस है उसको डैमेज कर सकते हैं, या फिर वो आपके घर को डैमेज कर सकती है। और इसके रूट्स बहुत ज़्यादा अंदर तक जाती है तो ये बहुत ज़्यादा पानी को ले लेती है, बहुत इसके रूट डीपली अंदर जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पानी को सक कर लेता है, और ये बात भी सच है कि ये बहुत ज़्यादा पानी को सक करता है कि उसकी टॉपेरी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा लीफ और इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो इस वजह से ये पानी को बहुत ज़्यादा जल्दी सक करता है कंपेरेटिवली जो कि दूसरे ट्रीज है उसके कंपेरेटिवली। सो ये एक इसकी दूसरी नेगेटिव पार्ट है इसका। और इस प्लांट में ऐसा है कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा ऊपर से इसकी ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट होती है, और ऐसे नहीं है कि बहुत ऐसे ही ट्री जैसा ही इसका जो मेन ट्रंक होगा वो ट्री जैसा बड़ा सा हो जाएगा, बट इसकी जो ब्रांचेस है इसके ऊपर जो बर्ड्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो आकर रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो ये एक और इसका नेगेटिव पार्ट है। और इसके पॉजिटिव पार्ट की बात करूँ तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और मुझे पसंद है कि मुझे एक पूरी वॉल चाहिए इसलिए मैंने भी इसको पॉट में लगाया है, और ये बहुत अच्छा है। मतलब आप इसको टॉपियरी के लिए ये बेस्ट प्लांट हो सकता है अगर आप पॉट में लगा रहे हो तो। ज़मीन के लिए मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और दूसरी एक चीज़ है कि ये सॉल्टेड जो सॉइल होती है फिर इसका वाटर होता है तो उसमें ये बहुत इजीली ग्रो कर जाती है। आप इसको किसी भी मीडियम में या फिर आप इसको कैसे भी सॉइल या फिर कैसा भी वाटर दो तो ये इसमें बहुत अच्छे से वो ग्रो कर जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है इसका फ़ायदा है वो है इसको हैज बना सकते हैं। ये हैज के लिए सबसे अच्छा प्लांट है, मतलब आप चाहते हो एक बहुत अच्छी हैज जो मतलब पूरे साल तक ये ग्रीन रहे तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और इसको आप शेप दे कर आप इसके टॉपियरी बना सकते हो बहुत अच्छी, मैं भी वही बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। और ऐसी जो जगह होती है जहाँ पर और कोई प्लांट्स नहीं लगा सकते, जैसे कि कोई ऐसे रेगिस्तान हो गया, फिर जहाँ पर थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा हो गया, कोई पानी में ज़्यादा होता है, या फिर जो समुंदर है उसके आसपास लगाने के लिए प्लांट बेस्ट है क्योंकि ये प्लांट किसी भी कंडीशन में ये ग्रो कर ही जाएगा। आपको इसको थोड़ा सा कम पानी दो या फिर कैसे भी आप इसको लगाओ तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है। बट अगेन मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इसको अपने आसपास सिटीज़ में लगाओ, मतलब ज़मीन में लगाओ, आप पॉट में डेफिनेटली इसको लगा सकते हो। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि हम ज़्यादातर मतलब ऐसे प्लांट लगाएं जो डिफरेंट हो, ज़्यादा अलग हो, और ट्रीज़ जो हमारे नेटिव हो वो हम ज़्यादा प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। इतने हम लगा लिए हमारे सिटीज़ में इतना ठीक है, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें ये प्लांट को लगाएंगे तो ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, आप देख लीजिए, तो मैंने उसमें अपने ट्रीज़ के बारे में बताया।
तो आप वो वाले प्लांट लगा सकते हो, वो वाले ट्रीज लगा सकते हो, उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। सो बस गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।